The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying, thoda sabar rakhiye aur kursi ka peeti bandh lijiye, mausam bigadne wala hai. Thank you, sir. Mahanne sadasyagano, ek minute. Haan, aap boli. Haan. एक नहीं बल्कि तीन बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेल अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। सब आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों कह रहा हूं इससे बचना चाहिए, उचित नहीं है। किशन रेड्डी जी, बहुत मिनिस्ट्रीज के अभी यूसी सर्टिफिकेट्स कुछ स्टेट से नहीं आते हैं कि उससे अलग अलग स्टेटों से महिला के पर अत्याचार हुआ, जीरो, एक भी नहीं है। किसानों का अत्याचार हुआ, जीरो, कुछ भी नहीं है। आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है। एक स्टेट है ये, आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के, उत्तर वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी दिया है आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है। वो भरत मारन जी, दयानिधि मारन जी, दयानिधि मारन, मतलब यार पर सुन रहे, यार पर सुन रहे, सर वन प्लीज प्लीज समिट, सर वन दयानिधि मारन जी प्लीज प्लीज प्लीज, कल्याण जी प्लीज प्लीज, कल्याण जी प्लीज बैठिए, कल्याण जी आपका वोट हो गया, आप भी बैठिए, अभी दयानिधि मारन प्लीज। वणक्कम सर, वाळ्क तमिळ सर।